हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे सुप्रा हायोड मसल्स के बारे में और उनकी नर्व सप्लाई। तो देखिए, सुप्रा हायोड का मीनिंग क्या है? देखिए, इसका मीनिंग है कि जो भी मसल्स हायोड बोन के जस्ट ऊपर होती है और हायोड बोन से अटैच होती हैं, हायोड बोन से ऊपर होगी और हायोड से अटैच होगी, वो सारी मसल्स होगी सुप्रा हायोड मसल्स। तो देखिए, इसके अंदर टोटल 5 मसल्स आती है। तो उन 5 मसल्स की पहले नेमिंग लिखते हैं कि उनमें उनके नाम क्या क्या है। सबसे पहले है हमारे पास डाइगेस्टिक मसल, ओके। नंबर सेकंड पे है हमारे पास स्टाइलो हायोड। नंबर थर्ड मसल है हमारे पास माइलो हायोड। नंबर फोर्थ मसल है जीनियो हायोड। और नंबर फिफ्थ और लास्ट मसल है हमारे पास हायोग्लोसस, ओके। तो ये 5 मसल्स होती है सुप्रा हायोड मसल्स। अब आते हैं सबसे पहले वाले मसल्स पे, इसका नाम है डाइगेस्ट्रिक। देखिए, नाम से पता लग रहा है डाइगेस्ट्रिक, मतलब इसकी दो बेलीज होगी। और इसकी दो बेलीज कौन सी होगी? एक होगी इसकी एंटीरियर बेली और एक होती है इसकी पोस्टीरियर बेली, ओके। तो इसकी टू बेलीज होती है। अब देखिए, एक और हमने डाइगेस्ट्रिक की टू बेलीज पढ़ ली। इसके अलावा देखिए, आप एक मसल्स और पढ़े एक मसल और पढ़ेंगे ओमो हायोड, एंड ओमो हायोड इज द इन्फ्रा हायोड मसल्स। और देखिए, जो ओमो हायोड मसल्स होती है उसकी भी दो बेलीज होती हैं, बट उसकी दो बेलीज होती है सुपीरियर बेली और इन्फीरियर बेली। तो देखिए, ओमो हायोड के लिए तो क्या थी? दो ओमो हायोड के लिए है दो बातें, ओमो हायोड दिस इज द इन्फ्रा हायोड मसल्स और उसकी होगी सुपीरियर और इन्फीरियर, बट डाइगेस्टिक इज द सुप्रा हायोड मसल्स और इसकी भी होगी दो बेलीज, बट वो होगी एंटीरियर पोस्टीरियर। मतलब कि डाइगेस्टिक के भी दो पॉइंट याद करने हैं और ओमो हायोड के भी दो पॉइंट याद करने हैं कि ये कहाँ की मसल्स हैं और इसकी बेलीज के नाम क्या क्या हैं। अब आते हैं नर्व सप्लाई पे। तो देखिए, एंटीरियर बेली, आपने डाइगेस्टिक की एंटीरियर बेली कहाँ पड़ी थी? फेरिंजियल आर्चेज में। तो देखिए, डाइगेस्टिक की जो एंटीरियर बेली होती है ये डेवलप होती है फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से, और फर्स्ट फेरिंजियल आर्च की नर्व कौन सी होती हैं? मैंडिब्यूलर नर्व। तो देखिए, इसको सप्लाई करती है नर्व टू माइलो हायोड, मतलब हमने मैंडिबुलर नर्व की भी फिक्स नर्व बता दी कि ये नर्व इसे सप्लाई करती है। और ये किसकी ब्रांच है? दिस इज द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ओके। मैंडिबुलर नर्व दिस इज द फर्स्ट आर्च की, फर्स्ट फेरिंजियल आर्च की मसल। अब देखिए, डाइजेस्टिव की जो पोस्टीरियर बेली होती है ये कहाँ से डेवलप होती है? सेकेंड फेरिंजियल आर्च से। और सेकेंड फेरिंजियल आर्च की नर्व कौन सी है? फेशियल नर्व, ओके। फेशियल नर्व एंड दिस इज द क्रेनियल नर्व नंबर 7। अब देखिए, नंबर थर्ड सेकेंड मसल्स पे आते हैं। दिस इज स्टाइलो हायोड, नाम से पता लग रहा है स्टाइलो प्रोसेस टू हायोड बोन, और आपको पता होगा कि स्टाइलो प्रोसेस हायोड बोन के जस्ट ऊपर होता है, ओके। तो दिस इज द ऑब्वियसली, अगर हायोड बोन के ऊपर स्टाइलो प्रोसेस होगा, मतलब लेवल के ऊपर होता है, जस्ट ऊपर नहीं, उस हायोड बोन का अगर लेवल करें उसके जस्ट ऊपर होता है, तो दिस इज सुप्रा हायोड मसल्स। अब देखिए, ये मसल्स भी डेवलप होती है सेकेंड फेरिंजियल आर्ट से, तो इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी? फेशियल नर्व एंड दिस इज द क्रेनियल नर्व नंबर 7। अब देखिए, एक होती है माइलो हायोड मसल। तो देखिए, नाम से पता लग रहा है माइलो, मतलब माइलो हायोड ग्रूव ऑफ मैंडिबल बोन में अटैच होगी और एक अटैच होगी, मतलब इसका सेकंड एंड अटैच होगा हायोड बोन से, मतलब फर्स्ट एंड अटैच है माइलो हायोड ग्रूव ऑफ माइलोहायोड ग्रूव ऑफ मैंडिबल बोन, और इसका सेकेंड एंड अटैच है हायोड बोन से। तो अब देखिए, माइलोहाइड ग्रूव कहाँ होती है? मैंडिबल बोन में, और मैंडिबल बोन जस्ट हायोड बोन के ऊपर होती है, तो ये भी क्या होगी? सुप्रा हायोड मसल। अब देखिए, माइलोहाइड मसल्स, इसको भी सप्लाई देखिए, ये मसल्स भी डेवलप होती है फर्स्ट फेरिंजियल आर्ट से। देखिए, ये भी फर्स्ट से डेवलप है, ये भी फर्स्ट फेरिंजियल आर्ट से डेवलप है, तो ये भी फर्स्ट से है, ओके। और ये भी फर्स्ट फेरिंजियल आर्ट से डेवलप है, तो इसकी भी नर्व कौन सी होगी? नर्व टू माइलो हायोड, ओके। एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ओके। तो एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व,
उसके बाद आते हैं हम हमारी फोर्थ मसल पे, नाम से पता लग रहा है जीनियो हायोड। जीनियो मतलब जीनियल ट्यूबरकल, हायोड मतलब हायोड बोन। अब जीनियल ट्यूबरकल कहाँ होते हैं? मैंडिबल बोन में, और मैंडिबल बोन कहाँ होती है? हायोड के जस्ट ऊपर। तो नाम से पता लग रहा है कि दिस इज द सुप्रा हायोड मसल। अब देखिए जीनियो हायोड इसको सप्लाई करती है अंसा सर्विकल्स। आपने अगर अंसा सर्विकल्स पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे जीनियो हायोड मसल्स का नाम सुना होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ लिखूँगा वो रिलेटेड होगा अंसा सर्विकल्स से। तो देखिए अंसा सर्विकल्स ने आपने पढ़ा होगा कि C1 से एक तार जाता है, और उस C1 से जो तार या नर्व निकलती है उस वो किसके साथ रन करती है? क्रैनियल नर्व नंबर 12 के साथ। मतलब क्या होता है मतलब यूँ होता है कि देखिए ये C1 से तार निकला और यही तार क्रेनियल नर्व नंबर 12 के साथ रन करता है। मतलब क्रेनियल नर्व 12 और C1 रूट से एक डायरेक्ट तार निकलता है, दोनों साथ साथ जाते हैं, और ये दोनों सप्लाई किसको करते हैं? जीनियो हायोड को। तो मैं यहाँ वही लिख रहा हूँ, जीनियो हायोड को सप्लाई कौन करेगा? C1 थ्रो हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल मतलब क्रेनियल नर्व नंबर 12, हाइपोग्लोसल नर्व, और दिस इज द क्रेनियल नर्व नंबर 12। तो आपको इसे पढ़ने के लिए क्या देखना पड़ेगा? इसे पढ़ने के लिए देखना पड़ेगा आपको अंसा सर्विकेलिस। ओके अंसा सर्विकेलिस। अब देखिए लास्ट एंड फाइनल नर्व है हायोग्लोसस। नाम से पता लग रहा है हायोड बोन टू ग्लोसस मतलब टंग। और देखिए टंग आपको पता होगा हायोड बोन के ऊपर होती है, तो नाम से पता लग रहा है दिस इज द सुप्रा हायोड मसल। अब हायोग्लोसल है हायोड बोन टू टंग, हायो मतलब हायोड बोन, ग्लोसस मतलब टंग, तो दिस इज अ मसल्स ऑफ टंग। ये टंग की मसल है, और टंग की मसल्स की नर्व सप्लाई क्या होती है? क्रेनियल नर्व नंबर 12। तो इसकी नर्व होगी हाइपोग्लोसल, इसकी नर्व होगी हमारी हाइपोग्लोसल नर्व, एंड दिस इज द क्रेनियल नर्व नंबर 12। तो देखिए हमने सारी मसल्स सुप्रा हायोड मसल्स और उनकी नर्व सप्लाई पढ़ ली है। तो देखिए एक बार क्विक रिवीजन पे आते हैं। अगर आपको डाइजेस्टिक पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फेरिंजियल आर्चेज, और मतलब ढंग से पढ़ना है तो फेरिंजियल आर्चेज से देखिए ये मसल्स और ये मसल्स, मतलब तीनों मसल्स, ऊपर की तीनों मसल्स को आपको क्लियर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा फेरिंजियल आर्चेज, क्योंकि ये तीनों मसल्स फेरिंजियल आर्च से डेवलप होती हैं। एंटीरियर बेली डेवलप होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, ये डेवलप होगी फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से। पोस्टीरियर बेली डेवलप होगी, दिस इज द सेकंड फेरिंजियल आर्च से। स्टाइलो हायोड ये भी डेवलप होगी हमारी सेकंड फेरिंजियल आर्च से, ये डेवलप होगी हमारी फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से। उसके बाद देखिए जीनियो हायोड, इसको समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अंसा सर्विकेल्स। और इस हायोग्लोसस, इसको समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? टंग की मसल्स के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द सुप्रा हायोड मसल्स एंड दिस नर्व सप्लाई।